स्टार्ट। प्याज एक बार फिर सुर्खियों में है। प्याज के सुर्खियों में आने के दो ही कारण होते हैं। एक तो तब जब कम उपज के कारण प्याज की कीमतें आसमान पर चढ़ जाती है, दूसरे तब जब प्याज का उत्पादन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जितना खर्च प्याज को खेत से मंडी में ले जाने में आता है, किसानों को उससे भी कम कीमत मिल रही होती है और बहुत से निराश किसान खेत में खड़ी फसल को जला देने को मजबूर हो जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियां हर कुछ समय बाद आती है और जब भी यह संकट आता है उस समस्या का कोई तात्कालिक हल खोजा जाने लगता है, जो हमारे कृषि बाजार की अस्थाई परेशानी बन चुकी है। इस बार भी वही हो रहा है जो पहले भी ऐसे मौक़ों पर होता आया है। पिछले तकरीबन एक महीने से प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जब भी ऐसा मौका आता है पहला काम यही होता है कि प्याज की निर्यात को तुरंत रोक दिया जाता है और प्याज कारोबार से जुड़े व्यापारियों व आढ़तियों के यहाँ छापेमारी शुरू हो जाती है। ये दोनों कदम पिछले महीने ही उठा लिए गए थे। इनमें से खासकर निर्यात पर पाबंदी का असर भी दिखा। बाज़ार में प्याज पहले के मुकाबले ज़्यादा उपलब्ध हुआ तो कीमतें नीचे आती दिखाई दी। तुरंत यह मान लिया गया कि संकट समाप्त हो चुका है, लेकिन उपज कम है इसलिए बाज़ार की आपूर्ति सिर्फ निर्यात पाबंदी से अस्थायी तौर पर बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए यह संकट फिर लौट आया। अब कृषि व्यापार से जुड़ी संस्थाएं दुनिया भर के बाज़ारों में प्याज खरीदने की संभावनाएं तलाशती फिर रही है, लेकिन यह आसान नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। खपत के मामले में तो शायद यह पहले ही नंबर पर होगा। बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों को भारतीय प्याज का निर्यात होता था। भारत से आपूर्ति बंद हो जाने के बाद ऐसे सारे देश अब दुनिया भर में प्याज खरीदते घूम रहे हैं। अब जब भारत भी इस बाज़ार में पहुंच रहा है तो मांग अचानक बढ़ जाने से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्याज की कीमतें तेज़ी से उछल रही है, यानी प्याज की उपज में कमी की जो हमारी एक घरेलू समस्या थी वह देखते ही देखते एक अंतर्राष्ट्रीय संकट के रूप में सामने आ खड़ी हुई है। अगर यही हाल रहा तो प्याज की आपूर्ति तो सुधर सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नीचे आने की संभावना नहीं बनेगी। बेशक यह संकट बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक महाराष्ट्र से प्याज की नई फसल आने लगेगी तो बाज़ार वापस सामान्य स्थिति की ओर लौट जाएगा। कृषि बाज़ार के संकट भले ही अल्पकालिक होते हैं, लेकिन वे बहुत सिरदर्द पैदा करते हैं। संकट चाहे अधिक उपज की वजह से पैदा हुआ हो या फिर कम उपज की वजह से, हर बार जब ऐसा संकट आता है तो वह कृषि नीतियों के खोखलेपन को उजागर कर देता है। कम उत्पादन और अधिक उत्पादन दोनों ही बेहतर बाज़ार प्रबंधन की मांग करते हैं और यही ऐसी चीज़ है जो दोनों ही मौक़ों पर नहीं दिखाई देती। हम चाहे कितने भी आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और सैटेलाइट मैपिंग की बात कर ले,
लेकिन सच यही है कि पूर्वानुमान और आकलन के मामले में हमारा कृषि प्रबंधन हमेशा चूक जाता है।